नमस्कार प्रिय मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डीएसआर जोन में। मित्रों, जो कोई भी इंसान आपसे रूठ गया है, नाराज़ हो गया है, पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, मित्र हो, भाई बहन, कैसा भी संबंध, कैसा भी रिश्ता अगर आपका किसी से बिखर रहा है, टूट रहा है, कोई आपसे दूर जा रहा है, आपको छोड़ रहा है, इस कदर नाराज़गी बढ़ गई है कि बातचीत भी बंद है, आपको देखना भी नहीं चाहता, परंतु आप उस रिश्ते, उस संबंध को बचाना चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो कोई भी आपसे रूठ गया है, नाराज है, चाहे गलती आपकी है या सामने वाले की, वो फिर से आपसे संबंध में रहे और आपका जीवन पहले से भी अधिक खूबसूरत हो जाए। मित्रों, बहुत ही शक्तिशाली ये उपाय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसे आप करें। जिस किसी को आप चाहते हैं वो तुरंत आपकी ओर बढ़ जाएगा। इधर आप ये उपाय करेंगे, उधर उसके दिल पर इसका ऐसा असर होगा कि वो खुद आएगा आपके पास, खुद आपको मनाएगा, खुद आपसे मांगेगा माफ़ी। मित्रों, बहुत सरल उपाय है मगर बहुत ही शक्तिशाली। पूरे यकीन, पूरे विश्वास से आप इस उपाय को करें और देखें किस प्रकार से आपका संबंध हो जाता है खूबसूरत। मित्रों, आपने उपाय शुरू करने से पहले स्नान कर लेना है। यदि स्नान नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो अपने हाथ, मुंह, पैर अच्छे से धो लें। कहने का अर्थ है, स्वच्छता की हालत में ही उपाय को करें। कोई भी आसन, कपड़ा, कोई लकड़ी की चौक, दरी, कुछ भी आप बिछा सकते हैं, उसके ऊपर आप बैठ जाएं, पालती मारकर, पलाश मारकर। दिशा अपनी बैठने की आप रखेंगे पूर्व की, जिस ओर से सूर्य उदय होता है, ईस्ट की दिशा पर आप मुख करके बैठेंगे। अपने साथ आपने एक माचिस की डिब्बी रखनी है, जैसे वीडियो में दिखाया गया है, एक माचिस की डिब्बी रखेंगे। माचिस की डिब्बी जब आप लेकर बैठेंगे, 7 तीलियां आपने अपने साथ रखनी है। वो 7 तीलियां इस समय माचिस की डिब्बी के अंदर नहीं रहेंगी, दोनों अलग अलग लेनी है। आप किसी कागज़ पर, किसी बर्तन पर अलग अलग इन्हें रख सकते हैं, या एक बड़ा बर्तन ले लें, थाली या प्लेट, और उसके ऊपर भी इसे रख सकते हैं एक साथ अलग अलग। इसके बाद मित्रों, आपने क्या करना है, एक आपने पीले रंग का, अगर आपके पास स्केच पेन है, कोई मार्कर है, ले सकते हैं। नहीं है, आप इसके बदले हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी हल्दी पाउडर वाली लें और थोड़ा सा पानी लगाकर आप उससे भी लिख सकते हैं। जैसा वीडियो में दिखाया गया है, माचिस की डिब्बी के ऊपर आपने लिखना है अहं, अहं आपने लिखना है। बहुत ही शक्तिशाली ये बीज मंत्र है, इसे आप लिखेंगे। इसके बाद आपने इस माचिस की डिब्बी में ये 7 तीलियां एक एक करके रखनी है। आप तीली उठाएंगे, उस व्यक्ति का नाम लेंगे जिसके लिए आप इसे कर रहे हैं, आंखें बंद करके नाम लेंगे, और तीली को हाथ में लेने के बाद आंखें बंद करें, नाम लें और अहं बोलें। अहं एक ही बार बोलना है, उसके बाद आंखें खोलें, तीली को माचिस की डिब्बी में डाल दें। माचिस की डिब्बी आपने उल्टे हाथ में पकड़नी है और सीधे हाथ में आपने तीली पकड़नी है। उसके बाद फिर आपने यही करना है, 7 तीलियां इसी प्रकार से, इसी क्रिया को दोहराते हुए आपने डिब्बी में डाल देनी है। इसके बाद इस डिब्बी को आपने अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, आंखें बंद करनी है, और जैसा वीडियो में दिखाया गया है एक मंत्र, उस मंत्र का उच्चारण करना है आपने मात्र 5 बार। ओम अहं अमुक वश्य, ओम अहं अमुक वश्य, ये आप 5 बार उच्चारित करेंगे, आंखें बंद करके ध्यानपूर्वक उस व्यक्ति को सोचते हुए, चाहे वो पुरुष है, स्त्री है, लड़का है, लड़की है, जो कोई भी है, उसको विचारते हुए। अमुक के स्थान पर आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है, प्रमुख नाम, पहला नाम ही लेना है। माचिस की डिब्बी को आपने पूरा बंद नहीं करना है, जिस प्रकार से वीडियो में है आपने थोड़ी सी खुले रहने देनी है, पूरी बंद नहीं करनी है। इस माचिस की डिब्बी को अब आप इस स्थान से उठाएंगे, यानी अपने साथ आप लेकर जाएंगे घर से बाहर। आप पूरे दिन घर में रख सकते हैं इस डिब्बी, आपको जब भी उचित समय मिले, उसी दिन के अंदर जिस दिन आपने उपाय किया है, किसी भी समय आप एक साफ स्थान पर, खुले में कहीं भी इसे रखेंगे, किसी वृक्ष के नीचे छोड़ सकते हैं आप, परंतु अपने घर से दूर जाएंगे, थोड़ा सा 10-11 कदम की दूरी अवश्य हो आप जाएंगे और इसे एक साफ स्थान पर छोड़कर आ जाएंगे। कोई पार्क हो सकता है, कोई खाली ऐसा स्थान हो सकता है जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, गंदगी वगैरह ना हो उसके आसपास,
ऐसे किसी भी स्थान पर आप इसे छोड़ दें और वापस आ जाएं घर। यहाँ आपने ये उपाय किया, वहाँ उसके ऊपर इसका असर होना शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे 4 से 5 दिन के भीतर वो व्यक्ति जिसके लिए भी आपने ये उपाय किया है खिंचा आएगा आपकी ओर। आशा करते हैं मित्रों उपाय आपको ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। अब ध्यान आ गया, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, नमस्कार।